वो फाइल किधर चली गई? वंश, ये किसी के हाथ भिजवा देती, फोन कर देती, तुम खुद क्यों लेकर आई? हाँ पर वंश, मैं ठीक हूँ, सच्ची। कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, और कितना समझाना पड़ेगा तुम्हें? मैं ठीक हूँ। वैसे कहीं जा रहे हो तुम? हाँ, कुछ जरूरी काम निकल के आ गया, जाना जरूरी है, मैं सुबह तक लौटाऊंगा। तो सुबह तुम्हारे आने से पहले मैं वीडियो पूरा देख लूंगी, और मुझे यकीन है कि तुम पे लगा इल्जाम भी हट जाएगा, और फिर हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना, और जितना हो सके उतना आराम करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो लेनी भूल गया। मुझे प्लीज लैपटॉप मत ले जाओ। ये क्या है? तुम्हें कीलों से चोट लगी है रितिमा। टेटनेस का इंजेक्शन लगाना जरूरी है, वरना सेप्टिक हो सकता है। तुम अपने आप को लेके लापरवाह हो सकती हो, लेकिन मैं मैं ठीक हूँ ना, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। मैं ऊपर कमरे से यहाँ तक आई हूँ, मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है वंश, सच कह रही हूँ, इसे रख दो। Come on, रितिमा, फिजियोथेरेपिस्ट होके तुम इंजेक्शन से डरती हो? हाँ तो फिजियोथेरेपिस्ट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे ना डरने का लाइसेंस मिल गया है। मुझे डर लगता है इंजेक्शन से वंश, प्लीज मुझे नहीं जरूरत है इसकी, दर्द भी नहीं हो रहा है, ठीक है? तुम जाओ ना, तुम्हें देर नहीं हो रही है क्या? इंजेक्शन लगाने में कितना टाइम लगता है रितिमा? 5 सेकंड। हाँ अब मुझे नहीं लेना इंजेक्शन, मुझे बहुत डर लगता है। रिलैक्स, तुम इतना कह रही हो तो नहीं लगाते टेटनेस का इंजेक्शन, ठीक है? इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। रिधमा, वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम अगर पूरे दिल से मेरी बात सुनोगी तो शायद मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी। अब आ रहा है ना लाइन पर, बड़ी बड़ी डील क्रैक करने वाला बंदा 3 वर्ड्स कहने में इतना हिचकिचा रहा है। रिधमा, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि रिधमा, मैं सच्चे दिल से तुमसे कहना चाहता हूं कि प्यार है या फिर मुझको जुनू है तेरा, तेरे इश्क पे सबसे ज्यादा हक है।
आए आए हो गया। मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि जब लोहे से चोट लगती है तो टेटनस का इंजेक्शन अवॉइड नहीं करते हैं रिद्धिमा। वंश राय सिंघानिया की वाइफ हो तुम, वैसे ही बिहेव करो। प्रेशर बनाओ इस पे। सही काम करने के लिए अगर गलत तरीका हो तो चलता है। ये किस लिए? मेरे साथ चीटिंग की ना, उसके लिए। मुझे अपनी बातों में फंसाया। मुझे लगा तुम कुछ और कहना चाहते हो मुझसे। Actually, कहना तो वही था जो कहना चाहिए था। क्या? वैसे तुमने क्या अंदाजा लगाया, क्या कहना चाहता था मैं तुमसे? नहीं बताना। और वैसे भी ऐसे गेम्स खेलना ना मुझे भी आता है, ठीक है? तो फिलहाल के लिए ना ना तुमने कुछ कहा ना मैंने कुछ सुना, ओके? ऐसे बात अधूरी छोड़ के नहीं जाते। अब मैं कहूंगा और कहे बिना रहूंगा भी नहीं, और तुम सुनोगी भी और कहोगी भी। वंश की लाइफ में सब कुछ सेट है, वही होता है जो वंश चाहता है। तब तुम लौटोगे मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे बच, तब कहने सुनने में मजा भी आएगा और कहने सुनने का असर भी होगा। मंच निकल गया है, अब कोई डर नहीं है, आराम से देख सकती हूँ। Come on, आर्यन, बस एक बार तुम्हारा चेहरा दिख जाए। Thank you.
क्या देख रही थी तुम? बंद लैपटॉप में क्या देख रही थी तुम? वो तुम निकले उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने तुम्हारा लैपटॉप देखा तो सोचा फिल्म देख लेती हूँ। मैं उसे ऑन करने की कोशिश कर रही थी पर हो ही नहीं रहा था। मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई इसलिए मैं वापस आ गया। वंश के हाथ में गन थी और सामने डरी सहमी सी रागिनी। तो क्या वंश कातिल है? मैं चलती हूँ। रुको, ऐसे मत चलो। इतनी बार समझाया गया है कि तुम्हें आराम करना चाहिए लेकिन तुम चैन ही नहीं है तुम्हें। हाँ नहीं है चैन वंश, और सच को सामने लाए बिना चैन मिलने भी नहीं वाला है। कल दशहरा है, बुराई का अंत और अच्छाई की जीत, और कल फुटेज का सच जानने के बाद यही होगा, बुराई हारेगी और अच्छाई जीतेगी। कल सारे राज खुल जाएंगे और मेरे विश्वास की जीत होगी। मारने जा रहा था जब वंश उसके बगल में था। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या आर्यन? तो शुक्र है कि मैं वक्त पे आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज। क्या हो जाता? उससे बुरा क्या हो जाता जो हो चुका है। यहाँ मेरे गले में फांसी का फंदा फंसता जा रहा है और आप दिमाग चलाने की बात कर रही हो? नहीं मॉम, मैं वो रिस्क नहीं ले सकता। आप समझो, 3 साल मॉम, 3 साल से जिस दर्द को मैं अपने सीने में दबाए जी रहा था वो आज मेरे सामने आ खड़ा हुआ है।
मुझे छोड़ दो वर, मुझे जाने दो। वो फुटेज रिद्धिमा के हाथ लग गई है, इसका मतलब जानती है वो हमें बर्बाद कर सकती है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। राज रागिनी से जुड़ा है। You know what? मेरे पास उस राज का सबूत भी है। अब तुम देखते जब आर्यन मैं उस सबूत के साथ क्या करती हूँ। वो फुटेज वंश तक नहीं पहुंच सकती, वंश को ये सब पता नहीं चल सकता। मैं मुझे डर था कि कहीं वो सबूत वंश के हाथ ना लग जाए, इसलिए मुझे लगा कि मैं रिद्धिमा को खत्म क्यों नहीं कर देता। ना बचेगी रिद्धिमा और ना ही रहेगा सबूत। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मां। आर्यन तुझे कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूं ना, कोई ना कोई रास्ता पक्का निकल आएगा बेटा, और उस रिद्धिमा का काम भी तमाम हो जाएगा, वंश को हम पे शक भी नहीं होगा। अरे मैं सोच रही थी कि अपने फायदे के लिए अगर हम वंश का इस्तेमाल करें तो। मतलब? सोचा है कुछ मैंने, आधा कच्चा आधा पक्का, बस थोड़ा वक्त दे फिर तुझे सब बता दूंगी, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती कबीर। अब कबीर ने क्या मैसेज किया है, 3 दिन में मुझे डिपार्टमेंट से परमानेंटली सस्पेंड किया जाने वाला है। रिद्धिमा छोटा बड़ा जैसा भी हो, आज मेरे लिए कोई भी सबूत जो वंश को मर्डरर साबित कर दे मेरा हथियार बन सकता है। कुछ मिला है तुम्हें? सॉरी कभी तुमसे झूठ बोलना पड़ रहा है, पर मेरे पास जो सच है ना वो अधूरा सच है, और अधूरा सच झूठ से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। एक बार सब पता चल जाएगा उसके बाद ही तुम्हें बताऊंगी। झूठ बोल रही है, जानता हूं मैं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। एक्चुअली तुम खुद को बेवकूफ साबित कर रही हो, पता है? क्योंकि मैं तुम्हारी रग रग जानता हूं। सुश्रुतिमा ने मुझसे साफ साफ कहा है कि उसके पास सबूत है 3 साल पहले क्या हुआ था। हारिन पर तूने कहा था कि तूने वो मेमोरी कार्ड घुमा दी है, फिर वो मेमोरी कार्ड रिद्धिमा के पास कहां से आ गई? मुझे नहीं पता मॉम कहां से आया कैसे आया, पर मिल गया उसे। अब एक बात तो तय है, बहुत जल्द रागिनी का सच सबके सामने आने वाला है। पागल नहीं हूं मैं के? तुम्हारे इतने करीब हूं ना, तुम्हारे सच से गिन सकता हूं मैं। यू सी मॉम ने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम्हारे हाथ कोई सबूत लग गया है और तुम उसे छुपाने की मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। रिद्धिमा ये इश्क ना दोधारी तलवार जैसा होता है। हुँ?
अपने इश्क को बचाने के लिए तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि यही इश्क ना तुम्हारी सांसें छीन लेगा तुमसे। ये भूलो मत तुम कि तुम आज जहां हो मेरी वजह से हो। उस अनाथ आश्रम से उठाकर मैंने तुम्हें वीआर मैंशन तक पहुंचाया, और आज मेरे साथ गेम खेल रही हो। स्मार्टनेस अच्छी है रिद्धिमा, ओवर स्मार्टनेस इज नॉट गुड फॉर यू। मॉम, मौर्य की नीयत बदल गई है, झूठ बोल रही, बहाने मार रही है। आई थिंक अब हमें कुछ करना होगा। सॉरी, मैं बस पार्टी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्या है ये? मुझे पता है कि रागिनी के साथ क्या हुआ था। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.